स्वागत करती हूँ आपका हिंदुस्तान न्यूज 24 पर। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बिहार भागलपुर सबौर से कहलगांव की दूरी महज 30 किलोमीटर है, परंतु इस 30 किलोमीटर को तय करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। रोड की स्थिति यह है कि अगर एक ट्रक का जाम लग जाए तो दिन भर भी एक ही जगह पर रहना पड़ सकता है। NH80 के किनारे जितने भी मकान बने हैं, दिन रात उन्हें धूल का सामना करना पड़ता है। बताते चले कि कहलगांव से सटे विक्रमाशिला पर्यटन स्थल है एवं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। वहाँ के लिए कोई भी उच्च पदाधिकारी अगर आते हैं और सड़क मार्ग से उन्हें जाना हो तो रातों रात उनके लिए सड़क बनकर तैयार हो जाती है और शाम के जाते हुए सड़क फिर अपनी अवस्था में तब्दील हो जाती है। आखिर इस पर सुध लेने वाला कोई क्यों नहीं? आए दिन नेता राजनेता कहते फिरते हैं इस NH80 का टेंडर हो चुका है, अब ये बनने वाला है, अब बनकर तैयार हो जाएगा, परंतु धरातल पर कुछ भी क्यों नहीं दिखता। चाहे कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह हो, बीजेपी के पवन यादव हो या फिर उदयू के अजय मंडल, सबों की बातें हवा हवाई होते दिखाई देती हैं। शायद सभी पार्टी के नेता जनता को ठगने का काम करती हैं, सभी राजनेता जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। समय आने पर बड़े बड़े वादे के पुल बांधा करते हैं और कुर्सी मिलते ही अपने वादे को भूल जाते हैं। जितने भी यात्री इधर से गुजरते हैं सबों को काफी डर बना रहता है वो कहीं दुर्घटना न हो जाए। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर भी कोई सांसद कोई विधायक इस पर सुध लेने वाला नहीं। ताजा मामला सबौर का है। कुछ लोगों से मीडिया कर्मी बात करते रहते हैं तो उनका कहना है कि वो इस रास्ते से जाना इसे डर लगता है और लगता है कि कोई दुर्घटना न हो जाए। बड़े पदाधिकारी अगर सड़क मार्ग से जाते तो रातों रात सड़क को तैयार किया जाता है, लेकिन सुबह होते ही सड़क की स्थिति फिर पूर्ण रूप से पहले की तरह हो जाती है। इसका मतलब यह होता है कि सिर्फ साहब को दिखाने के लिए एक पतली सी परत डाल दिया जाता है, फिर सड़क धराशायी हो जाती है। बिहार सरकार की कार्यशैली व वादे खोखले नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर विकास को लेकर योजनाओं का हाल बदतर देखने को मिल रहा है। आए दिन NH80 पर अनगिनत घटनाएं होती चली जा रही हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण इस पर कोई नोटिस जारी की गई। इतने राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर इसे बनाने का वादा तो किए, लेकिन ये अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस पर सुध लेने वाला कोई क्यों नहीं है, जबकि यह सड़क NH80 कई जिलों राज्यों को जोड़ती है। थोड़ी ही बारिश हो जाए तो सब उसे बयां कर देती है। ये NH80 मुख्य मार्ग सचमुच सूबे के मुखिया नीतीश कुमार का दावा ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर विकास तो, लेकिन सिर्फ कागजी स्तर पर धरातल स्तर पर क्यों नहीं? यूँ कहना गलत नहीं होगा कि जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है। बताते चले कि यहाँ के लोग जल जमाव से भी त्रस्त हैं, उन्हें गड्ढों से चलकर आवागमन करना पड़ता है जिससे कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। सड़कों की तस्वीर ही बयां कर देती है बिहार के मुखिया कार्यशैली। तो हम और आप क्या कहें, घटनाओं पर घटनाएं होती चली जा रही हैं, पर किसी राजनीतिक नेता पर जू तक नहीं करेगा। कहाँ जा रहे हैं भैया? जा रहे भैया कहलगांव। कितना समय लगता है आपको सबौर से कहलगांव जाने में? 2 घंटा। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर पर लगाने में 2 घंटा। कितना दिन पहले ये सड़क बना था? 2 दिन हो गया भैया। अच्छा चलिए, नाम बताइए। पूरा रोड खराब है। हाँ, डर भी लग रहा था गाड़ी से आने में। अभी लगता है कि पलटी खा जाएगा सब, तो पता नहीं ऐसी हाल है। मैं पूछे थे क्या स्थिति है रोड का, बताइए ड्राइवर साहब। बहुत खत्म है स्थिति, तो बहुत खराब है। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम अभी आ रहे हैं ऊपर, हम काम कर रहे थे नगर सभा। हाँ, वो जा रहे हैं ऊपर। क्या किलोमीटर चला के आया अभी? यही लगभग 10-12 किलोमीटर। कितना समय लगा? समय लग गया वही आधा घंटा। 1 घंटा लग गया 10 किलोमीटर चलाने में। पर धूल उड़ते रहता है, क्या कहना है आपका? इतना ही धूल उड़ता है कि ना कोई प्रशासन, ना विधायक, ना MP, ना जनता की कोई ख्याल नहीं है। जनता इतना स्थिति खराब है, जो इतने बीमारी फैल रहा है, जो इससे जान जीवन अस्त व्यस्त होते जा रहा है। हम लोग इतना त्रस्त है कि घर का खाना भी खाना बड़ा मुश्किल है। नाम बताइए। नाम मेरा हुआ है MD मुख्तार, सबौर सत्यागढ़ी 3 नंबर वार्ड से। कुछ दिन ही खेत बन गया है, कुछ दिन में उसमें धान रोपाएगा। धान रोपाएगा? हाँ, धान रोपाएगा। उसके बाद जंगल राज से महा जंगल लगेगी, महा जंगल लड़ा जाएगा। जोड़ा फंस रहे हैं और क्या, यही दिक्कत है आदमी का। फंस कितना दिन पहले रोड बना था? 2 महीना पहले बना था। 15 दिन बाद और इसके बाद बारिश बरस, पानी खत्म हो गया।
कई जयपुर सोल का ये हाल है, रिसेप्टी का ये निकलती है। हाँ। देखने में ऐसा लग रहा है कि लोग जो आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि समझिए कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे सबोरिया भागलपुर, ये ऐसा स्थिति है। यही जीत लगता है कि पलट जाएगा, पलट जाएगा, पलट जाएगा, तो समझिए कि भगवान वहाँ पे वहाँ तक पहुँच गए, ये हाल है। यानी एक तरफ से दूसरे तरफ अगर चला जाए तो चला जाए, ये देख लीजिए गिर जाएगा, पलट जाएगा, ये है निकलती का हाल है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद सादिक हुसैन हुआ, मेरा घर ही सबोर में ही है। सबोर में ही है। सबोर।